तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ सूरत के मेगा किचन में और आज मैं आपको दिखाऊंगा लाइव खमन की मेकिंग। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ खमन बनता है, तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे चने की दाल की धुलाई हो रही है, तो फिर इसकी पिसाई होगी मशीन में। ये देखिए एकदम बढ़िया से दाल साफ़ हो चुकी है यहाँ पे। तो ये देखिए भाई, ये आ गई दाल यहाँ पे। तो अब दाल की पिसाई शुरू हो जाएगी। तो क्वांटिटी देखिए भाई, 60 किलो दाल एक साथ बन रही है। चने की दाल से यहाँ पे खमन बनाया जा रहा है। देखो तो दाल की क्वांटिटी देखिए। तो देखो तो ये लगने जा रहे हैं यहाँ पे खमन, और साथ ही साथ दाल की पिसाई हो रही है एक साथ। देखो तो 60 किलो की दाल यहाँ पे पीसी जा रही है। खमन के लिए पूरी दाल यहाँ पे रेडी होने जा रही है। ये देखिए एकदम बढ़िया से पिसाई हो रही है। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ मेगा किचन में खमन की मेकिंग। ये देखिए, और नीचे आप पतीला देख सकते हो, कितना बड़ा पतीला रखा है। तो अंकल जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये हम मसाला कर रहे हैं, ये खमन में पड़ेगा। अच्छा। पिसाई होके मिर्ची डाल दिया, नमक डाल दिया, बस नमक और मिर्ची, बाद में हल्दी डालेंगे पिसाई होने के बाद। ये देखिए मिर्ची और नमक जा रहा है यहाँ पे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? खमन के आटे में मिर्ची और नमक पिसाई कर रहे हैं, उसके बाद हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 4 से 5 घंटा छोड़ देंगे। ठीक है। तो ये देखिए भाई, ये यहाँ पे मिर्ची और नमक यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे खमन के बैटर में। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पूरे सूरत में कहीं नहीं मिलता। हाँ, अच्छी क्वालिटी का खमन बनता है। खमन मिलेगा, इदड़ा मिलेगा और लोचा मिलेगा। लोचा 3 प्रकार का होता है, एक सादा भी मिलता है और तेल वाला भी मिलता है, दूसरा बटर वाला मिलता है। मिर्ची और नमक पड़ गया है, अभी हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद में इसको पूरा मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये डलने जा रही है हल्दी यहाँ पे। ये देखिए, ये डल गई हल्दी यहाँ पे। 60 किलो खमन देख सकते हो एक साथ रेडी हो रहा है यहाँ पे। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पूरे सूरत में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो ये देखिए, ये अब इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। तो नमक आ गई, मिर्ची आ गई, हल्दी आ गई और दाल में इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो ये बैटर बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाते हैं, 4 घंटे इसको रखेंगे हम। अगले दुकान का नाम बता दीजिए। जेपी खमन हाउस। तो अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी खमन लगाने जा रहे हैं। तो ये बैटर किस चीज़ का रहता है? ये चने के दाल का। चने की दाल का रहता है, और क्या क्या रहता है? मिर्ची, नमक, हल्दी, तीन। जेपी खमन हाउस का फेमस खमन यहाँ पे लगने जा रहा है। ये देखिए कितने बड़े यहाँ पतीले में खमन रेडी हो रहा है। ये देखिए थाली में डल रहा है खमन यहाँ पे। ये देखिए भाई, थाली भर के खमन जा रहा है। और ये देखिए, ये लग रहा है यहाँ पे मशीन में, देखते हो 15 मिनट के बाद निकलेगा। 15 मिनट में निकलेगा। अच्छा, ये देखिए लगातार फटाफट यहाँ पे थाली जा रही है। ये देखिए, ये चली गई 3री थाली, ये आ गई 4री थाली यहाँ पे। ये देखिए 4 थाली आ चुकी है यहाँ पे। कितनी थाली लग जाती है यहाँ पे? 8। ये आ गई 5री थाली। तो कितनी सारी क्वांटिटी में जिसमें यहाँ पे खमन रेडी हो रहा है, 8 थाली एक साथ बनती है, 15 मिनट लग जाते हैं। 6री थाली आ गई यहाँ पे, आ गई 7री थाली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नीचे गर्म पानी होता है, भाप से पकता है। ये देखिए, ये लग गई 8री थाली। और ये देखिए, आप इसको कवर कर देंगे। तो ये देखिए स्टीम देने के लिए पूरा कवर कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए पूरा बंद कर दिया इसको। ये देखिए भाई, कितनी बड़ी बड़ी मशीनों में यहाँ पे खमन रेडी हो रहे हैं। तो खमन 4 बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे, और यहाँ पे खमन रेडी होता है एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी में। ये देखिए भाई, ये खमन की मशीन को ऊपर कर दिया उन्होंने। तो ऐसे ही पूरे दिन फटाफट काम चलता रहता है यहाँ पे? हाँ, ऐसे ही चलता है, काम बिल्कुल नहीं रुकता है, काम नहीं रुकता है। ये देखिए, ये इनकी मशीन रहती है और इसमें खमन लगा हुआ है, लोचा लगा हुआ है। ये बड़ी बड़ी मशीन से यहाँ पे खमन रेडी होता है, लोचा रेडी होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी होती है। ये देखिए बड़े बड़े स्टीमर लगे हुए हैं, फटाफट काम चलता है यहाँ पे। तो देखते, हमारा खमन यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये भैया ने ढक्कन ऊपर कर दिया है। तो देखो भाप कैसे निकल रही है यहाँ पे, एकदम गर्मा गर्म खमन बन के यहाँ पे लग चुका है। ये देखिए, तो 8 की 8 ट्रे यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। तो भैया बन चुका है ये पूरा? बन के रेडी हो गया, बन के रेडी हो गया, बन के 15 मिनट में रेडी हो गया। ठीक है, 15 मिनट में ही रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए मशीन यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे क्या कर रहे हो? चटनी। चटनी बना रहे हो? किस चीज़ की चटनी रहती है ये? ये खमन की। खमन के लिए चटनी रहती है, किस चीज़ की रहती है? धनिया की रहती है? धनिया, नमक और शक्कर, मिर्ची। अच्छा, खमन के साथ खाई जाती है ये? हाँ। ये देखिए भाई, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे चटनी बन के रेडी हो रही है। मशीन देखिए भाई, एकदम बढ़िया से पिस के यहाँ पे। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा फैक्ट्री का प्रोसेस यहाँ पे, कैसे बनता है खमन, कैसे चटनी बनती है। ये नज़ारा आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है, सूरत आना पड़ेगा भाई। ये देखिए चटनी बन रही है यहाँ पे, कितने बढ़िया तरीके से। ये देखिए, अब चटनी को बढ़िया से मिक्स किया जा रहा है, पानी डाल के बढ़िया से चटनी को मिक्स कर रहे हैं। तो भैया लोगों को बहुत पसंद आती है, एकदम मज़ा आता है, फेमस है यहाँ की, फेमस है। ये देखिए भैया, फेमस चटनी यहाँ की, ये देखिए सूरत की फेमस खमन के साथ खाई जाती है ये। तो ये यहाँ पे क्या रखे हैं? यहाँ पर ठंडा होने के लिए निकाल दिया गया है। अच्छा, अभी फिर आगे जाके कटिंग होगा, कटिंग होकर बिकेगा। अच्छा, ये देखिए कटिंग होगी फटाफट यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए एक साथ कितने सारे पीसेस निकाल दिए।
ये देखिए ये आगे यहाँ पे इनका खमन और ये स्टार्ट होगी इसकी कटिंग। तो देखते कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, बढ़िया तरीके से यहाँ पे कटिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए अब इसको निकाल लेंगे, ये देखिए ये डल गया यहाँ पे डायरेक्ट। ये देखिए ये आगे इनका खमन, अब देखते क्या क्या डालते हैं। ये क्या डाल रहे हैं? राई का तड़का है। राई का तड़का, ये देखिए भाई राई का तड़का आ गया यहाँ पे। और ये धनिया आ गया, हरा धनिया यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा खमन रेडी, तो इसको जल्दी से टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे। तो सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है हेमंत भाई ठक्कर। ठीक है, तो सर कितना टाइम हो गया शॉप को? 45 ईयर्स। 45 ईयर्स। सर क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे मिलता है खमन, लोचा और इदड़ा, तीन ही चीज़ मिलती है, और सेव, और सब चीज़ हम खुद ही बनाते हैं, कोई आइटम तैयार ला के नहीं बेचते। तो फाइनली यहाँ पे जेपी खमन का हमारा लोचो लग चुका है, खमन लग चुका है, इदड़ा लग चुका है। तो अब जल्दी से इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये आ गया हमारा लोचो, तो ये हमारा लोचो लग चुका है। तो देखो इन्होंने ऊपर से अमूल का बटर डाला है और काफ़ी सारे मसाले डाले हैं, तो चलिए भी इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो लोचो तो मैंने बहुत ज़्यादा खाया है, बट जो इनका लोचा है बहुत ही फ्रेश है, एकदम गर्मा गर्म है, साथ ही साथ इसका टेस्ट जो टैंगी है और हल्का सा स्पाइसी है। तो अगर आपको भी गर्मा गर्म लोचा खाना है तो आप यहाँ पे आके इनका लोचा ज़रूर टेस्ट कीजिए। तो नेक्स्ट मैं आपको इनका खमन दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो इस पर इन्होंने हरा धनिया डाला है, सेव डाली हुई है, और इसको मैं ट्राई करूँगा इनकी ग्रीन चटनी साथ। तो इतना फ्रेश खमन मैंने आज तक कहीं नहीं खाया, बहुत ही फ्रेश है, सेव के साथ मज़ा आ रहा है खाने का। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा इधर। तो इनका लोचो भी फ्रेश था, खमन भी फ्रेश था, और इदड़ा भी फ्रेश था। तो स्पेशली जो इनकी ग्रीन चटनी है बहुत ही टेस्टी है। टाइमिंग क्या रहती है शॉप की? टाइमिंग हमारा सुबह में 7 से लेके 1:30-2 बजे तक रहता है, और शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक रहता है। तो हफ्ते में कितने दिन खुली रहती है शॉप? पूरा दिन खुला रहता है, खाली संडे को आधा दिन रहता है, दोपहर के बाद बंद रहता है, और त्यौहार होता है जो बड़ा त्यौहार, उसमें दोपहर के बाद बंद रहता है। सर एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे आना। कैलाश नगर संग्रामपुरा सूरत, इतना काफ़ी है। जेपी खमन हाउस। तो अगर आप भी सूरत रहते हो, सूरत विजिट कर रहे हो, तो जेपी खमन पे आके इनका खमन, इनका लोचो ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं इसको यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।